ड्रग्स लेने वाली बहू। प्रिया खुले विचारों की लड़की थी। उसे घूमने फिरने पार्टी करने का बहुत शौक था। उसके परिवार वाले भी कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहती थी, पर धीरे धीरे उसकी आजादी गलत मोड़ लेना शुरू कर देती है। वो नशे की लत में पड़ने लगती है और फिर एक रात वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई? कैसे लोग रहते हैं यहाँ? ये नहीं कि मैं आने वाली हूँ तो लाइट्स ऑन रखे। जैसे ही प्रियंका लाइट्स ऑन करती है, उसके सामने विवेक और रेणु खड़े होते हैं। ये सब क्या है प्रियंका? क्या क्या पापा, मैं पार्टी से आई हूँ। मुझे ये सब क्वेश्चंस पूछकर परेशान मत कीजिए। ये सब तुम्हारी छूट का नतीजा है रेणु। मैं तो पहले ही कहता था कि बेटी है, थोड़ा हाथ कस कर चलो। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी बेटी को आज के जमाने की लड़की बनाना था। लो, बन गई आज के जमाने की। रेणु प्रियंका को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह प्रियंका जब नींद से जागती है, उसे उसका सर बहुत भारी महसूस होता है। वो सर पकड़े हॉल में आती है। मम्मी मुझे मेडिसिन दे दो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जो हरकतें तुमने की है ना, अभी तो सिर्फ तुम्हारा सर ही दुख रहा है। पता नहीं शायद आगे हॉस्पिटलाइज भी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रग्स लेने की? क्या ड्रग्स? मैंने नहीं तो आपको किसने कहा कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? जब तुम नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी तो तुम्हारे फोन पर रोहन का कॉल आया था, जो मैंने रिसीव कर लिया। मेरे जरा डांट लगाते ही वो तोते की तरह बोल पड़ा कि तुम कल ड्रग्स पार्टी में गई थी और आज भी जाने वाली हो। तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया, अब से तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगी। प्रियंका दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली। रेणु और विवेक को लगता है कि डांट का सही असर हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। प्रियंका रात को खिड़की से कूदकर पार्टी में चली जाती है। आधी रात जब रेणु प्रियंका के कमरे में जाती है, उसे वहां ना देखकर वो बहुत नाराज हो जाती है। अब बहुत हुआ, अब इसकी शादी करना ही एक रास्ता रह गया है। प्रियंका के बहुत मना करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उसकी शादी रोहित से करवा देते हैं। रोहित बहुत ही अच्छा लड़का था, उसे प्रियंका बहुत पसंद थी। रोहित के परिवार वाले भी प्रियंका को बहुत प्यार करते थे, पर प्रियंका को वो प्यार भी बोझ लग रहा था। शादी के दूसरे दिन, बेटा प्रियंका से कह देना अच्छे से तैयार हो जाए, उसकी मुंह दिखाए के लिए मोहल्ले की कुछ औरतें आज शाम को आने वाली है। शाम के 4 बजते हैं। सुजाता की सभी सहेलियां नई बहू को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अरे सुजाता, बहू को तो बुला। प्रियंका सभी के सामने वन पीस पहनकर आ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की मनाही थोड़ी ना है। ये कपड़े तो तुम बाद में भी पहन सकती हो, आज मुंह दिखाई की रस्म है, तुम्हें लहंगा पहनना चाहिए था। लो कर लो बात, बहू इतनी छोटी सी ड्रेस पहन कर आई है और सास उसे समझा रही है, यह नहीं कि उसे डांट लगाए। अरे बहू ने मुंह ढकी नहीं रखा तो कैसे मुंह दिखाई? सुजाता, क्या तुमने हम लोगों का मजाक बनाने के लिए हमें बुलाया था? हमें नहीं करना कोई रस्म वसम। सभी औरतें बिना मुंह दिखाए किए ही वापस लौट जाती हैं। प्रियंका भी अब कमरे में चली जाती है। ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी सबके कि खुद ब खुद मुझे वापस घर पर छोड़कर आएंगे, तब जाकर कहीं मम्मी पापा को समझ आएगा कि मेरी शादी करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। प्रियंका घर के एक भी काम ना करती, दिन भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती। धीरे धीरे उसकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि अब वो रात रात भर घर नहीं आती। एक दिन जब रोहित के ऑफिस के दोस्त उसके घर आए हुए थे, दरवाजे से नशे की हालत में प्रियंका घर पर आती है और उन सभी के बीच बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है प्रियंका, कमरे में जाओ अभी के अभी। मैं क्यों जाऊंगी, तुम जाओ अभी के अभी। कोई बात नहीं रोहित, तुम लोग झगड़ो मत, हम ही चले जाते हैं। रोहित के सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब इस लड़की को मैं एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहता हूँ। रोहित फोन लगाता है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है।
आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई कि प्रियंका ड्रग्स लेती है, फिर भी मैं चुप रहा ये सोचकर कि उसकी नजर में थोड़ी तो शर्म होगी। पर ऐसा नहीं है, उसकी नजरों की तो शर्म ही मर गई है। अब मैं आपकी बेटी को एक पल भी अपने घर पर नहीं रख सकता। आप आइए और उसे लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम ही उसका साथ छोड़ दोगे तो वो कैसे संभाल पाएगी खुद को? हम दोनों परिवार को मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा बेटा। जब रोज की तरह अगली सुबह प्रियंका उठती है तो क्या देखती है? घर वाले कहीं गायब है और एक कमरे से धुएं की बदबू आ रही है। सुबह के 11 बज रहे हैं, मम्मी जी अभी तक उठी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कमरे से सिगरेट की स्मेल कैसे आ रही है? प्रियंका कमरे की ओर जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके मम्मी पापा सास ससुर सभी मिलकर ड्रग्स ले रहे थे। सबकी आंखें लाल और सब नशे में झूम रहे थे। मम्मी पापा आप यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि ये आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? अरे बेटा, वो तेरा दोस्त नहीं है क्या? क्या नाम है उसका? रोहन। कल थोड़ी सी ड्रग्स लेकर आया था घर पर और गलती से मैंने चख ली। अरे क्या बताऊँ, मानो दुनिया ही बदल गई मेरी। फिर मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ तो बात है, वरना मेरी बेटी कभी इस तरह इस नशे में नहीं पड़ती। तेरी माँ के कहने पर मैंने भी जरा चख ली। क्या बताऊँ, मजा ही आ गया। झूठ लग रहा है तो अपनी सासू माँ से ही पूछ ले। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कितनी बुरी चीजें होती है। आप अपनी बेटी और बहू के सामने नशा कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ इस नशे से निकलना, पर नहीं निकल पा रही हूँ। और एक आप लोग हैं, इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आप लोगों की, अरे क्यों पढ़ना है इस झमेले में? तभी वहाँ रोहित आता है और कहता है, ये सब तो एक ड्रामा था प्रियंका, तुम्हें सबक सिखाने का और ये एहसास दिलाने का कि जब कोई अपना गलत रास्ते पर चल पड़े तो कैसा लगता है। अब हम सब मिलकर तुम्हें इस नशे के लत से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। रोहित प्रियंका को रिहैब सेंटर भेज देता है, जहां एक महीने में ही प्रियंका की नशे की आदत छूट जाती है और उसकी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाती है।